हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। घर आप देख सकते हैं, मेरे अलावा कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि आदविक स्कूल जा चुका है और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो अभी मेरा बस कहते हैं ना, डेली रूटीन का जो सुबह के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा वगैरह, वही सब चालू होएगा। वैसे तो मैं 5:30 बजे मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, पर फिर रहता है लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके बाद फिर आदविक को उठा के स्कूल की रेडी करने में भी उसको 1 घंटा लग जाता है। स्कूल का टाइम तो 8:15 का है, पर कहते हैं ना, बच्चों को उनके पीछे लगना पड़ता है। और अभी वो है भी बहुत छोटा, नर्सरी में है, तो सुबह का 1 घंटा तो सिर्फ आदविक के पीछे ही जाता है। और एक ये भी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ क्या, मुझे लगता है बड़ों के साथ भी है, कि जब उनका स्कूल या ऑफिस का टाइम रहेगा या जिस दिन रहेगा, उस दिन उनकी नींद नहीं खुलती है, उनको उठाना पड़ेगा 2 बार 3 बार 4 बार। और जिस दिन छुट्टी रहेगी, उस दिन अपन लोग को लगता है कि थोड़ा लेट उठेंगे या थोड़ा और सो लेंगे, तो उस दिन बराबर टाइम से सब उठ जाते हैं। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, यही लाइफ है। तो बस झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने बर्तन वॉश किए, कपड़े धुली, इतना सारा काम करने के बाद ही मैं डेली नहाती हूँ। और फिर नहाने के बाद ज़रूरी काम, भगवान जी की पूजा करना। तो बस पूजा करते करते, मतलब इतना काम करते करते ही मेरे को 10:30-10:15 तो हो ही जाता है। और फिर आदविक के छुट्टी का समय होता है जो कि है 10:50। तो पूजा करने के बाद मैं 10 मिनट रेस्ट करती हूँ, क्योंकि आदविक को स्कूल से लेने के बाद 2nd फ्लोर तक चढ़ के आना, उसके बाद मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। और आदविक को भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो तो नहीं समझेगा, वो बच्चा है और घर में उसके लिए मेरे अलावा कोई है भी नहीं दूसरा जो उसके साथ खेल सके या उसके जैसा दिमाग चला सके। एक तो मेरे बेटे का मैं क्या बोलूँ, पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद मेरे बेटे के प्रॉब्लम है। वो क्वेश्चंस बहुत करता है, कुछ भी देखेगा या कुछ भी स्कूल में सिखाएंगे, मम्मा टीचर ने ऐसा बोला, टीचर ने ये बोला, टीचर ने ऐसा किया है, या रास्ते में उसको कुछ दिख जाएगा, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, घर आने के बाद ऐसा कैसे कर दिए, ये बेडशीट क्यों चेंज कर दी, मतलब उसको हर चीज़ का इतना इंक्वायरी करना रहता है ना। कभी कभी गुस्सा भी आता है, फिर हंसी भी आती है कि उम्र ही ऐसी है उसकी, जो मतलब कहते ना, जरा सा भी चेंज होगा बच्चे तुरंत उसको कैप्चर करते हैं और तुरंत आपसे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, कि कुछ भी फुसला के जवाब दे देंगे तो कहते ना, बच्चे तो उस समय तो चलो ठीक है, वो समझ जाएंगे, लेकिन फिर वो हमेशा के लिए उस जवाब को ही रखते हैं कि हाँ, इसका यही जवाब होना चाहिए था। तो ये हमारा ये है कि हमको हर क्वेश्चंस का जवाब ऐसे देना चाहिए कि बच्चे उससे कुछ सीख सकें। और अभी मैं निकल रही हूँ आदू को लेने के लिए। तो जैसा कि आपने देख ही लिया, आदविक स्कूल से आने के बाद ड्रेस नहीं चेंज किया, कुछ नहीं किया। पहला उसका क्वेश्चन ही था कि आज कौन सा डे है, ये चिप्स आपने बना लिया क्या, वगैरह वगैरह। मैंने बोला ना, बच्चों के अंदर बहुत कितना बहुत उत्सुकता है हर चीज़ जानने की। खैर, ये सब तो लगा रहेगा दिन भर। अब स्कूल से आए हैं तो तुरंत तो कुछ करेंगे नहीं, इसके थोड़ा खेलना ज़रूरी है। तो उनका फेवरेट लग गया है पोगो, उसमें आ रहा लिटिल सिंघम। और लिटिल सिंघम देख देख के भी आदिक सेम एक्शन करते हैं, सेम जंप करते हैं, छोटे भी लगती हैं। पर भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं अभी तक कोई बड़ी चोट नहीं लगी है आदू को। तो लिटिल सिंघम देखते देखते ही बीच में मैंने थोड़ा बहुत खाना भी खिला दिया था। और ये ब्लॉक्स भी दिन भर इसमें ही लगे रहते हैं आदू, ब्लॉक्स, सिंघम, पोगो, ये सब चलता रहता है।
तो आप लोग भी इंजॉय करिए आदू के साथ, आदू की मस्ती। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।